हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7.2 में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में और इन विच रेशियो डिवाइड्स है, कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और दूसरा हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला, इन दो के बारे में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, जो इनको जो हमारे पास ये जॉइनिंग है इनको डिवाइड करता है, -1, 7 एंड 4, -3, इन दोनों की जॉइनिंग को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। किस में डिवाइड करता है? 2:3 में डिवाइड करता है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है, हमने मान लिया कि पी एक्स वाई हमारे पास एक लाइन है, मान लिया ये है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये हमने मान लिया ए पॉइंट है, ये है हमारे पास -1, 7। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है उसका नाम है बी, बी हमारे पास है 4, -3। ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को कोई भी कोऑर्डिनेट है हमारे पास पी, जो डिवाइड करता है किस रेशियो के अंदर, 2:3 के अंदर डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। तो इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे हम कैसे। लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। पी हमारे पास वो पॉइंट है जो हम फाइंड करेंगे कि से यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या बताया था मैंने, m1 m2 से बताया था ना मैंने, हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला लगा के दिखाते हैं हम आपको कि कैसे हमने निकाला था। हमारे पास है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला, x2 x1 की जगह y2 y1 रख देंगे तो हमारे पास y का फॉर्मूला आएगा। अब देखो x इज इक्वल टू m1, हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास ये है और ये m2 है, m1 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x2 हमारे पास कितना है 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 दे रखा है, और x1 हमारे पास कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 m1 + m2, 2 × 4 = 8 -3, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 by 5 1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास है -3 प्लस m2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 7 बाई m1 + m2 2 + 3, 3 × 2 = -6 + 7 = 3 = 21 डिवाइडेड बाई 5, 21 में से 6 जाएगा 15, 15 बाई 5 कैंसिल कर देंगे 3, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, x1 आ गया, y3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन दे रखा है, ट्राई सेक्शन होता है तीन सेक्शन में, तीन पार्ट्स में, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें जो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। अब हमारे पास देखो दो हमारे पास आएंगे रेशियो, कैसे कैसे आएंगी, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हमने मान लिया एक पी मान लिया, एक क्यू मान लिया। पी हमारे पास क्या है, x1 y1। अब देखो ये पॉइंट हमारे पास है पी, ये हमारे पास क्या है इधर, तो हमारे पास 1 है, 3 हमारे पास ये हो गए 1, 2, 3, 3 सेक्शन हो गए हमारे पास। अब जो P पॉइंट है वो कितने सेक्शन में डिवाइड करता है, इधर तो 1 सेक्शन है, इधर 2 सेक्शन है, तो ये क्या लिख देंगे, किस में डिवाइड करता है 1:2 में। अब जो क्या है वो किस में डिवाइड करता है, क्या देखो इससे इधर कितने हैं 1 और 1, 2, तो इससे इधर 2 है और इधर कितना है 1, तो ये किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। P पॉइंट निकालने के लिए 1:2 लेंगे और क्या पॉइंट के लिए 2:1 लेके चलेंगे। लेट पी x1 y1 एंड क्या x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। अब हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, AP = BQ = PQ = BQ, सभी हमारे पास इक्वल होने चाहिए। सो पॉइंट्स P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2, तो जो P है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है, और जो Q है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्या 2:1 में। अब देखो x1
पी पॉइंट निकालने के लिए एक्स वन निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वन रेशो टू लेके चलेंगे, वन मल्टीप्लाई एक्स टू हमारे पास माइनस टू प्लस एम टू टू है और मल्टीप्लाई फोर बाई वन प्लस टू लिखेंगे, टू वन जा माइनस टू प्लस फोर टू जा एट बाई थ्री, एट में से टू जाएगा सिक्स, सिक्स बाई थ्री टू आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाई वन, वाई वन निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, वन मल्टीप्लाई वाई टू हमारे पास माइनस थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई वाई वन माइनस वन बाई वन प्लस टू, थ्री वन जा माइनस थ्री माइनस टू बाई थ्री, थ्री माइनस टू माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री। पॉइंट आ गया हमारे पास पी एक्स वन वाई वन क्या आया टू और माइनस फाइव बाई थ्री। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, क्या वो पॉइंट निकाल लेंगे, किस रेशियो में, टू रेशियो वन में। अब एक्स टू इज इक्वल टू, इसका नाम हमने एक्स टू रख रखा है, तो क्या रखेंगे टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस फोर मल्टीप्लाई वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, टू टू जा माइनस फोर प्लस फोर बाई थ्री, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ज़ीरो। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, अब देखो दूसरे पॉइंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, वाई टू हमारे पास निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस M2। अब हमारे पास M1 कितना दे रखा है, देखो हमारे पास जब इसमें से सॉल्व करेंगे तो M1 हमारे पास है 2 और Y1 हमारे पास, Y2 हमारे पास है माइनस 3 और M2 हमारे पास है 1 और ये हमारे पास है प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या है 1 और ये हमारे पास कितना दे रखा है 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब 2 3 जा माइनस 6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 7 बाई 3 आ जाएगा, तो क्या आया माइनस 7 बाई 3, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 0 और माइनस 7 बाई 3, ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फिगर दे रखी है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का ग्राउंड है जिसके अंदर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी की गई है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। लाइन्स है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर चौक से ड्रॉ की गई हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। अब 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं ए से डी तक और हर एक की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। एज शो इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ए डी। ए डी का 1/4 है जहाँ निहारिका दौड़ रही है। एंड ऑन द सेकेंड लाइन, और किस लाइन में, सेकेंड लाइन में। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और कैसा फ्लैग है उसके पास, ग्रीन। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ए डी। प्रीत है वो फिफ्थ जो हमारे पास है, प्रीत रन्स 1/5 टोटल ए डी है उसका फिफ्थ। ए डी हमारे पास कितना है 100 मीटर का, 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो 100 मीटर हो गया। 100 मीटर का 1/5 निकाल देंगे तो जहाँ पे प्रीत डोल जा रहे हैं और किस लाइन में है, 8th रो के अंदर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लेके जाना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इन दोनों के हाफ में ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपने फ्लैग को कहाँ पोस्ट करेंगी। अब देखो निहारिका का निकालेंगे पहले हम, निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। ए डी हमारे पास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 का 1/4 निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 से कैंसिल कर देंगे 25 आ जाएगा, तो 25 मीटर पर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन, किस लाइन में, सेकेंड लाइन में, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 25। इसी तरह सिमिलरली प्रीत है वो पोस्टेड रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। ए डी के 1/5 में ए डी हमारे पास 100 है, उसका 1/5 निकाल देंगे 20 मीटर रहेगा, तो हमारे पास किस लाइन में, 8th लाइन में, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 8 और 20। फिर ये बोल रखा है इन दोनों फ्लैग्स के बीच के डिस्टेंस है, तो हमारे पास दोनों फ्लैग्स के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, अब करो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 5 25 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस कर देंगे रूट 61 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। उसके बाद बोल रखा है द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। अब ये बोल रखा है उनके दोनों के बीच में रश्मि ब्लू फ्लैग लेकर भाग रही है, अब ये बताओ उनके बीच का जो पॉइंट है वो निकालने के लिए
क्या करेंगे, एग्जैक्ट बीच है तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट निकालते टाइम हम क्या करते हैं कि नहीं भी दो पॉइंट्स के बीच का मिड निकालना है हमें। पॉइंट हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, 225 एंड 820। अब इन दोनों का बीच निकालना है तो x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। अब इन दोनों का पॉइंट निकाल देंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाय 2, 2 प्लस 8 10, 10 बाय 2 5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 25 प्लस 20 बाय 2 कर देंगे 45 बाय 2, ये आ जाएगा 22.5। तो वो किस जगह पर होगी हमारे पास, सो रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन द फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर के डिस्टेंस पर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें रेशियो निकालनी है कि ये जो हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको मिलाने के लिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई -16। इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, जब ये पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, -16। अब देखो हमारे पास ये दे रखा है, एक ऐसे फिगर दे रखी है और इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, एक दे रखा है -310 ये दे रखा है, दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो 6-8 है और कोई एक पॉइंट हमें दे रखा है -16। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो रेशियो हमने क्या मान ली, K=1। K की हम वैल्यू निकाल देंगे कैसे, देखो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो दोनों का सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर देंगे K=1 से और इज इक्वल टू -1 रख देंगे। अगर x1 x2 रखेंगे तो x और y की वैल्यू यहाँ है ही हमारे पास। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाई -16 बाई K=1। ये K=1 में डिवाइड करते हैं, इस पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो क्या आया, हम सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, x हमारे पास कितना है -1 इज इक्वल टू m1 हमारे पास कितना है k मल्टीप्लाई x2 हमारे पास कितना है 6 है, 6 के आ जाएगा और बीच में प्लस है m2 हमारे पास कितना m2 हमारे पास कितना है 1 और x1 हमारे पास कितना -3, -3 और 1 की मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई K+1। अब K+1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -K-1 इज इक्वल टू 6K-3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आए 7K-3 को इधर लेके गए प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7। द रिक्वायर्ड रेशियो, अब K की वैल्यू हमारे पास 2/7 आ गई, हम मान के क्या चले थे K=1, तो K=1 को हम क्या रखेंगे, K की वैल्यू ये आ गई, तो जब हम 7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2:7। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगी, 2:7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है, अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू वहाँ 0 होगी। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन, और फाइंड हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस डिविजन का। पहले हमें रेशियो भी निकालनी है और पॉइंट भी निकालना है, दो चीज़ निकालनी है। देखो फाइंड द अब हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वही है कि कोई भी हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको डिवाइड करते हैं हम। मान लिए ये हमारे पास कोई लाइन दे रखी है, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है 1-5 और ये हमारे पास -4-5। अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है जो उसको डिवाइड करता है एक्स और ज़ीरो में, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी और रेशियो भी निकालनी है, तो रेशियो हम क्या लेके चल पड़े, K=1। रेशियो भी निकालनी और ये एक्स की वैल्यू, तो हम वाई कोऑर्डिनेट लेके चल पड़ेंगे, जहाँ वाई ज़ीरो है तो के की वैल्यू आ जाएगी। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस बी K=1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन, अब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम इसके। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए K=1 में क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाई के प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा बाई K+1, दोनों के डिवाइड कर सम कर दिया। अब दूसरा क्या करेंगे, m1 x2 प्लस y2, y की निकाल रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई के आ जाएगा प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 -5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास पॉइंट आ गए सेक्शन फॉर्मूले से। अब देखो ये तो है नहीं, ये तो x के इक्वल होगा, ये किसके, 0 के इक्वल होगा, तो सेकंड को लेके चल पड़ेंगे। वी नो दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, जो x
एक्सिस है उस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये किसके इक्वल रख लिया, जीरो के इक्वल। इसको उधर लेके गए, जीरो हो जाएगा, क्या आया 5k-5 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5k इज इक्वल टू 5 आ गया, k इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल होके 1। सो एक्स एक्सिस डिवाइडेड इन रेशियो 1:1। तो एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। फिर डिविजन पॉइंट है, वहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे, -4k, k की जगह 1+1 हो जाएगा और 1+1, और ये क्या आ जाएगा, ये तो जीरो है ही हमारे पास, तो -4+1 -3 और 1+1 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविजन -3/2 इन और जीरो, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।